लेकिन बहुजन समाज पार्टी का चुनाव का जो रणनीति है इस पूरे चुनाव के दरमियान समझ में नहीं आया, कुछ आप अगर समझा पाए हमारे दर्शकों को। नहीं, वो तो रणनीति होती है, नीति है तो वही बताएंगे, मायावती जी खुद ही बताएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल हुए उस पार्टी को, 84 से लेकर शायद अभी 40 साल हो जाएंगे 2000, तो सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहिए पॉलिसीज के ऊपर। तो वैसा कोई स्टैंड बीएसपी का नज़र नहीं आ रहा मुझे यूपी, जो मैं समझता हूँ कि यूपी के लिए भी ठीक नहीं और देश के लिए भी ठीक। 2023 और 24 का जो चुनाव आप मतलब फाइट करने वाले और बड़े दावे के साथ काफ़ी लंबे समय से आप बोल रहे हैं कि आप संसद में पहुंचेंगे और विधानसभा में भी आप जाएंगे, तो क्या तैयारी है कि इतनी बड़ी मतलब जो राजनीतिक पार्टी है भाजपा और कांग्रेस को शिकस्त देने की? देखिए, सबसे बड़ी शक्ति जो है एपीआई की वो है नीतियों की। जो नीतियाँ एपीआई के पास में है वो किसी के पास में नहीं है, और ये नीति ऐसी है जो देश के हर नागरिक को विकसित कर सकती है, गरीबी पूरी तरह समाप्त कर सकती है, उसको मध्यम रूप से अमीर बना सकती है, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, सारे लोगों को बिजनेस में डेवलप कर सकती है, गवर्नमेंट सर्विस में डेवलप कर सकती है, और इंडिया को अमेरिका चाइना के बराबर ला सकती है। ऐसी ऑफिशियल पॉलिसी हम राइटिंग में हमारे पास है और उसको हम और एडवांस करके डिक्लेयर करने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि देश की जनता जो है अगर इस बात को समझेगी तो नेचुरली है जो वो एपीआई को चॉइस करेगी। बीजेपी कांग्रेस के पास में ये नीतियाँ नहीं, हाँ उनकी पार्टी बड़ी है, उनके पास कार्यकर्ता ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नीति में वो बहुत पीछे है एपीआई से। और फिर मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ 2024 में, तो ये चुनाव तो देश के लोगों को, जनता को सोचने का ये विषय है कि भारत के सबसे विद्वान को वो लोकसभा में देखना चाहते हैं या भारत में जो भी माननीय सांसद है जिनको ज़्यादा नहीं आता है उनको वहाँ देखना चाहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होगा कि यदि हमारे कंट्री को डेवलप करना है तो व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम हमारे डेमोक्रेसी में पढ़े लिखे और विद्वान नेताओं को चॉइस नहीं करेंगे तो फिर ये तो नेताओं का लॉस नहीं है ना, देश का लॉस है। तो इसलिए ये इलेक्शन थोड़ा सा बहुत ही जो है मज़ेदार होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जहाँ से भी चुनाव लड़ूंगा लोग मुझे वोट करेंगे और एपीआई की बाकी कुछ सीटों को भी जो है वो जिताने का प्रयास करेंगे। आपने पांचवी अनुसूची का बात किया, उसमें आपने बताया कि पेशा नियम भी बताया, और ऐसे एक राजनीतिक पार्टी जो सर राजनीतिक पार्टियों में मैंने देखा कि आप पहली बार पेशा नियम को बनाया और आप राज्यपाल से भी बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति को भी भेजे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का जवाब उनके तरफ से नहीं आया, किसी प्रकार की बैठक नहीं हो रही है, और आपके पार्टी के भी लोग काफ़ी कोशिश किए उनसे बातचीत करने के लिए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत सीरियस इशू है। देखिए, अभी तो थोड़ा कोरोना था इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, चलो भाई हर गवर्नमेंट को कोरोना में तकलीफ थी, पर अब कोरोना फ्री हो गया है, और कोरोना फ्री हो गया है तो मैं उनको फ्री नहीं छोड़ूंगा। अभी आज से मैंने शुरू किया है, और जो 11 राज्य हैं उसमें 11 राज्यों में और छत्तीसगढ़ में अभी ये शुरू किया, आज मैंने उनको याद दिलाया, अगर वो नहीं मानेंगे तो इस पर बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे हम लोग, और अगर वो नहीं बनाना चाहते पैसा रूल्स को तो फिर जो है हम उनको इलेक्शन में वोट आउट करेंगे चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट भी हो। कई बार आपसे मैंने सवाल किया है कि आप गोंडवाना देश बनाना चाहते हैं और आदिवासी आपका लाइफ लाइन है पूरा पार्टी का, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी जो 3000 से ज़्यादा आदिवासी है वो क्या बोलते हैं जेलों में बंद है, और सभी आदिवासियों को माओवादी या नक्सलवादी के रूप में मतलब उन लोग बंद करके रखना चाह रहे हैं, और जब भी वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो उनको सभी को मतलब गोली से उड़ा दे रहे, फर्जी मुर्रे में मार दे रहे, इस पूरे चीज़ों का समाधान हम कैसे निकालेंगे, जो एक तो कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया पूरा छत्तीसगढ़ उसको हम कैसे बाहर ले आए? देखिए, एक तो पहली बात जो है मैं रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता हूँ, तो कानून के राज से समाधान निकलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी हिंसा से समाधान नहीं हो सकता। अभी कुछ कारणवश लोग करते हैं नहीं करते उस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, लेकिन यदि किसी को आपने एलिगेट करके कह दिया है कि भाई गलत धाराएं लगा दी उस पर और अगर वो प्रूव नहीं हो रही है, तो मान लीजिए आप 90 दिन में चार्जशीट कर रहे हैं उसके बाद में भी आप जो ये नहीं कर रहे, फिर मान लीजिए आपको उसके सेक्शन के हिसाब से उसको 7 साल सजा हो सकती है, 10 साल उसका आधा पीरियड भी निकल गया फिर भी आप उसको जेल में रख रहे, तो मैं समझता हूँ ये तो फेलियर ऑफ रूल ऑफ लॉ है। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना जो है ये डायरेक्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। इसके समाधान कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा समाधान है कि पेशा लॉ और पेशा नियम जो है और फिफ्थ शेड्यूल इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आदिवासियों के राइट्स जैसे जैसे आदिवासियों को मिलेंगे, तो आदिवासी जो कभी कभी मान लीजिए गलत बातों को सोच के हिंसा वगैरह में चले जाते हैं या राइटफुल प्रोटेस्ट करते और उनको गलत ढंग से आरोपित करते, ये चीज़ें कम होंगी। बाद में इसको ह्यूमन राइट्स के लेवल पर डील किया जा सकता है, हाई कोर्ट में डील किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में डील किया जा सकता है, ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है कि पेशा लॉ पेशा रूल्स जो है और फिफ्थ शेड्यूल ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे बालोद जिले में सूर डूंगर करके गाँव
जहाँ पर सबसे बड़ा आदिवासियों का जो गांव है, 2000 से ज़्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं, और एक चमार जाति के जो घर को उन सारे आदिवासियों ने मिलकर ग्राम सभा का प्रस्ताव के बाद उसको जेसीबी से उसके घर को तोड़ दिया जाता है, और जो वहाँ के विधायक है, वहाँ के जो एसपी है, वहाँ के जो कलेक्टर है, अभी तक मौन है एक महीने के बाद भी, और वो क्या है कि अभी भी थाने में धरना देके बैठा हुआ है। इसका समाधान हम कैसे? बहुत ही गलत चीज है। अगर ग्राम सभा के प्रस्ताव के बावजूद अगर आपने गलत बुलडोजर चला दिया तो मैं समझता हूँ ये तो डायरेक्ट वायलेशन है पेसा लॉ का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का अगर वहाँ होगा तो उसका भी वायलेशन है, और ये दो लॉ भी सफिशेंट है अपने आप में, और आईपीसी में भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो इलीगल काम नहीं कर सकता, और अगर वहाँ ट्राइब्स है तो यहाँ तो एट्रोसिटीज एक्ट भी जो है अभी रोक कर सकती है। तो तीनों चारों एक्ट्स के अंदर में उसको अगर सही में ऐसा हुआ है तो वहाँ एफआईआर की जानी चाहिए, अगर एक्शन नहीं हो रही है तो यही उसका सलूशन है ऐसे समय। दो बहुत निजी सवाल है, एक तो क्या है कि जैसे जैसे मेट्राइब पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़ते जा रही है उसका जो संघ है एम्बस की गतिविधि कुछ समझ में नहीं आ रही। नहीं देखिए, देश को एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, और मैं कहता हूँ कि देश में पार्टियाँ बहुत है पर स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। और यदि आप थोड़ा सा मैं इंडिया के बाहर चले जाऊँ तो पूरा यूरोप देख लीजिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज है, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापान में है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, भले कम्युनिज्म को हम ना माने, तो वहाँ तो कोई आरएसएस बीजेपी या वामसेफ जैसे जो है वो संगठन नहीं है। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने उनके देशों को वहाँ तक लाया कि जो सबसे डेवलप्ड है, वहाँ गरीबी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, है भी तो बहुत कम परसेंटेज है। तो देश को स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, सामाजिक संस्थाओं की नहीं है। तो इसलिए सामाजिक संस्था का जो काम था उसको हमने थोड़ा सा अभी पीछे रखा, और एपीआई को भारत की सबसे स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी बने ताकि ग्रेट गोंडवाना हम इसको बना सके, उस तरह से मैं इसको डेवलप करूँ।